हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फूड बकेट। आज हम बनाने जा रहे हैं एक नए तरह की ड्रिंक से जो कि दही से बनी हुई है और ये एक तरह की वेट लूज की ड्रिंक से है। आइए फिर बनाने चले। दही की एक नया शरबत बनाने के लिए मैं यहाँ पर ली हूँ, ये देखिए, मिल्क पाउडर ली हूँ 2 टेबल स्पून और यहाँ पर हम थोड़े से काजू लिए हैं, थोड़े से पिस्ता और थोड़े से बादाम। ये सारे को पहले हम ग्राइंड कर लेते हैं। हमने इसे ग्राइंड करके ले लिया है। पर मैं ना एक बड़ा सा बाउल ली हूँ, बड़ा सा लेना है हमें, गहरा हो ज़्यादा, और इसमें मैं 1 कप दही डाल रही हूँ और उसी कप में मैं पानी डाल के ले रही हूँ 1/2 कप। ये पानी में डाल रही हूँ 1/2 कप और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 कप मिल्क और इसमें हम अभी डालेंगे पिसी हुई चीनी। ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैं डाल रही हूँ क्योंकि दही खट्टा भी ऐसे भी होता है तो थोड़ा हमें ज़्यादा ही डालनी पड़ेगी। अब इस पे जो हमने पिसा था ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो इसको मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इस पे ना हम थोड़ा सा ये यूज करके देखिए अच्छे से इसको फेंट लेते हैं। अब यहाँ पर ना मैं एक ऐसे मथाने ली हूँ और इसको मैं अच्छे से अभी ऐसे मथ लेती हूँ। थोड़ा सा ठंडा करने के लिए मैं यहाँ पर आइस डाल रही हूँ। मैं यहाँ पर ना 1 टेबल स्पून देखिए सब्जा ली हूँ, ये शरीर को ठंडक रखती है और ये इसको सेवन करने से ना वेट लूज भी होते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम, इसमें पानी डाल के हमें इस तरह फुला देनी है। देखिए मैंने ये पहले डाल के मैं रखी हूँ और ये इस तरह होंगे। ये एक तरह की तुलसी जो होती है उसकी बीज होती है और ये बड़े अच्छे होते हैं शरीर के लिए, ये कोलेस्ट्रॉल भी कम करते हैं इसको सेवन करने से। ये इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। अब इसको, ये जो सब्जा है इसको मैं इसमें डाल रही हूँ। और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेते हैं। इसको आप ना ग्राइंड भी करके ले सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, मथानी से इसको अच्छी तरह मथ सकते हैं। अब ये जो हमारी जो शरबत है ना, इसको एक बाउल में ये है, मैं इसको और एक बाउल में थोड़ा ले रही हूँ। मैं इसको 2 बाउल में ली हूँ क्योंकि हमें 2 फ्लेवर की बनानी है शरबत। मैं यहाँ पर ना 2 तरह की, देखिए ये एक है रूह अफ़ज़ा है और ये वाले जो खसखस की जो शरबत आते हैं ना मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, ये दोनों मैं ली हूँ। और एक में मैं ग्रीन डालूँगी, एक में रेड डालूँगी। पहले हम ग्रीन डाल लेते हैं। यहाँ पर मैं 4 चम्मच ली हूँ ग्रीन कलर की जो हमारी खसखस की शरबत है और इसको हम क्या करेंगे ऐसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब हम इसमें ना रेड डाल रहे हैं, रूह अफ़ज़ा वाली जो हमारी थी ना शरबत, वो वाला थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ इसमें। ये भी 3-4 चम्मच है। अब कितने भी आपके हिसाब से डाल सकते हैं, 2-3 चम्मच डालिए और टेस्ट तो ऐसे ही लगेगा। ये देखिए, आइए इसे अभी सर्व करते हैं।
अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम ना ड्राई फ्रूट गार्निश कर लेते हैं। आप इसको डेली बना के पी सकते हैं, ये सेहत के लिए अच्छा है। इतनी भयंकर गर्मी में इसको पीने से आपको राहत मिलेगा और ये वेट लूज करने में भी ये हमें हेल्प करता है। तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए एक रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।